ये तो 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। 100 रुपए कैसे होंगे पेट्रोल? हम दुआ करेंगे कि तेरी बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। मोदी जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे जब तक मोदी जी इस देश में है ना, तब तक महंगाई की कोई चिंता मत। अरे मोदी जी को सपोर्ट करते हो तो समझ लो टंकी धक 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 फुल। ये पेट्रोल का प्राइस कैसे बढ़ रहा है? ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया भाऊ, आपके पापा ने किया। मुझे बताइए पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। आप बैठ जाइए, सुराते ही हो गए। सुनो, ये वही है ना? हाँ सर, वही है। दिखने में एकदम सीधा साधा लगता है, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है सर। मतलब इसने जो किया है अभी तक यकीन नहीं होता है। अरे आपको देश की जनता ने लीडर चुना है, डीलर थोड़ा ना चुना है। जो आप अंबानी अडानी की दलाली कर रहे हैं, जब आपने किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया। सूट पहन लेता है 5 लाख का बूट, 1.5 लाख के घर या 1.5 लाख का चश्मा, कहता फकर फकीर है, खालिस्तान से जोड़ रहा है। अरे शाहीन बाग में बैठ गया तो पाकिस्तान से जोड़ दिया। अरे ये किसान है कि आतंकवादी है भाई? चूल्हा तभी जलता है जब ये अपने खेतों में मेहनत करते हैं। क्या सॉलिड बात बोल रहे हैं मोदी जी। भीड़ इकट्ठी करके चूना लगा रहे ऑडियंस को, ताकि ऐसा लगे कि बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में कोई प्रोटेस्ट कर नहीं रहा है। खालिस्तान में खालिस्तान। मोदी जी, मैं क्या बोलता हूँ, आप ना अपना भी एक स्टैचू बनवाई डालो, ताकि दुनिया को भी लगे कि आपके अच्छे दिन। अभी अच्छे दिन दिखाता हूँ। तुम लोग भी तो क्या? अरे 35 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए तो मोदी जी को वोट दो। अरे मोदी जी को वोट दोगे तब वो 18 घंटे काम करेंगे तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे ना। हाँ लिखा तो है कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा। तुम दोनों को मेरे ऊपर विश्वास है ना? मेरे को मोदी जी पे विश्वास। 35 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा। ओके, खूब चांगला मारो। ये तो 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। 100 रुपए कैसे होंगे पेट्रोल? 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा बोल के हमसे वोट लिया था। आज यहाँ आए तो पता चला कि सब जुमलेबाज थे। क्या? हा? अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। मैंने कहा था कि ये मोदी भक्त है, मत आना इसके चक्कर में, देश बर्बाद हो जाएगा, बोला था मैंने। मैं भी वही सोच रहा था, वो मोदी जी इतने भोले, मुझे क्या पता था वो देश को चूना लगा के निकल जाएंगे। हमारे मोदी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये चुप कर तेरे मोदी, ये साला अनभक्ति पनौती है। यू मुल्लास, मोदी जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे यार वीडियो को पर्सनली मत ले यार। पर्सनली लूंगा यार, छोड़ना यार। एक्चुअली हम लोग सब्सक्राइबर को डेमो दे रहे थे कि गोदी मीडिया पर विश्वास मत करो, फैक्ट जानने की कोशिश करो, देश में मजे लूटो यार। मैं यहाँ मजा लूटने नहीं आया हूँ। तो क्या इज्जत लूटने आया है? तू तेरी चमचा पार्टी पकड़, मैं मेरी पार्टी पकड़ता हूँ। 10 साल के बाद इसी पेट्रोल पंप पे वापस आएंगे, आज ही के दिन देखेंगे कौन ज्यादा पेट्रोल भरवाता है, तुम या मैं। हे हिम्मत, हे हिम्मत, तो लगा बैठ, बोल भरवाएगा, भरवाएगा।